नमस्कार, मैं हूँ समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले शुरू हुई मूर्तियों की राजनीति की। जी हाँ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राजधानी लखनऊ में थे और आज उन्होंने आधारशिला रखी अम्बेडकर साहब की मूर्ति की, और इसको लेकर अब एक नई राजनीति ने जन्म ले लिया है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि अब इलेक्शंस में महज 6 महीने रह गए हैं और उससे पहले दलितों के वोटों को हासिल करने के लिए भाजपा अब ये काम कर रही है, जैसे कि अंबेडकर की मूर्ति लगाकर वो दलित वोट को अपने पास लाना चाह रही है। हालांकि भाजपा इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। भाजपा के रवि किशन, जो कि भाजपा के MP हैं, उन्होंने यूपी तक से बात करते हुए बताया कि ये सारी प्लानिंग्स पहले हो जाती हैं प्रधानमंत्री के साथ। उनकी हर मंगलवार को जो पार्लियामेंट्री मीटिंग होती है उसमें से बताया जाता है कि जो महापुरुष हैं या जो वीर जवान हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, हमें उन्हें पॉपुलराइज करना है, तो ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड थीं। कुछ ऐसा नहीं है कि यूपी इलेक्शन से पहले ये सब किया गया। आइए पहले सुनते हैं क्या रवि किशन ने कहा जब हमने उनसे इस बारे में सवाल पूछा। भारतीय जनता पार्टी ने सारे हमारे प्रधानमंत्री जी की बात सोच पहले जान लीजिए। प्रधानमंत्री जी जब हम लोगों के साथ भी पार्लियामेंट में मीटिंग लेते हैं हर मंगलवार को 1 घंटे, तो उसमें यही कहते हैं कि इतिहास को मत भूलिए। इतिहास में जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया है, वो कोई भी हो, वो सबकी मूर्तियां लगेगी। आप सबको उनके बारे में जानना है, उनको जीवित रखना है। हम लोग इतिहास को, हमारे शहीदों को, हमारे ये सारे बड़े नेताओं लीडर को हम लोग अगर भूल गए तो हम लोग को कभी देश माफ नहीं करेगा। हमको पता चले और संविधान बना बाबा अम्बेडकर साहब की बात, उनकी तुलना, उनकी मूर्तियां लगाने में तो गर्व होता है हमको। भारतीय जनता पार्टी को गर्व है। हम सारे जितने भी लोगों ने इस देश के लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, उन सबकी मूर्ति लगेगी। 365 दिन में सारे कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम लोग सबको सम्मान देंगे। विपक्षी बोल बोल के उलट जाए, पेड़ से लटक जाए, हम लोग को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा इसी तरह काम करती है। हर नेता की, हर लीडर की, जिसने देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए काम किया, उसकी मूर्ति पूरे देश में लगेगी। रवि किशन ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि यूपी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी मायावती पर हमला किया। पहले बताना जरूरी कि मायावती ने क्या ट्वीट करा। मायावती ने इस मामले में, जब ये अंबेडकर की स्टैचू का आधारशिला रखी गई, तो मायावती ने भाजपा पर अटैक किया और मायावती ने सीरीज ऑफ ट्वीट करे और इसमें एक कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अगर अंबेडकर और दलितों के बारे में पहले सोच लिया होता तो राष्ट्रपति आज आधारशिला रखने नहीं बल्कि उसका शिलान्यास करने आते। इसका कैबिनेट मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि पहले बसपा में थे, उन्होंने जवाब दिया और कहा कि भाजपा ने इलेक्शन को सोचते हुए ये मूर्ति स्थापित नहीं की है, बल्कि क्योंकि वो अम्बेडकर साहब के प्रति रिस्पेक्ट अदा करना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने, भाजपा ने ये मूर्ति रखी है। आइए सुनते हैं क्या कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अब सुश्री बहन मायावती जी को तो खुश होना चाहिए कि भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर बनी हुई बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बाबा साहब के सम्मान में अगर आज लखनऊ की राजधानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से डॉक्टर अम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र व स्मारक का उद्घाटन किया गया है तो उन्हें तो खुशी व्यक्त करनी चाहिए। बात समाजवादी पार्टी तक नहीं थमी, कांग्रेस भी इसमें कूदी और कांग्रेस ने कहा कि ये जो भी चीज़ें करी जा रही हैं 6 महीने 8 महीने पहले, ये दलितों के वोट्स को हासिल करने के लिए कर रही हैं। आखिर अब तक भाजपा को दलित क्यों नहीं याद आया? आखिर अब तक भाजपा ने दलितों के मुद्दों को क्यों नहीं उठाया? आखिर अब तक भाजपा ने दलितों के लिए आरक्षण क्यों नहीं दिया? ये सारे सवाल किए कांग्रेस ने। सुनते हैं क्या कहा कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने। चुनाव आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी अब दलितों की बात करेगी, पिछड़ों की बात करेगी, किसी दलित महापुरुष के फाउंडेशन लेंग स्टोन की बात करेगी, लेकिन जब दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण देने की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी चुप हो जाएगी। जब अपने संगठन में आरक्षण देने की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी चुप हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। ये हर काम चुनावी फायदे के लिए करते हैं, शिलान्यास किया है चुनाव का फायदा लेने के लिए, इसके अलावा ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक PR एक्सरसाइज है।
तो उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये जो नई राजनीति शुरू हुई है, जो नई राजनीति ने जन्म लिया है, हालांकि मूर्ति स्थापना कोई उत्तर प्रदेश में नई चीज़ नहीं है, बसपा की सरकार थी 2007 से 12 तक, मायावती ने खुद अपनी मूर्तियां लगवाई, कांशीराम जी की मूर्तियां लगवाई, अंबेडकर साहब की मूर्तियां लगवाई, सपा सरकार आई उसने भी यही किया और भाजपा भी अब वही कर रही है। पर क्योंकि टाइमिंग को लेकर कि अब इलेक्शन से पहले अंबेडकर साहब की मूर्ति लग रही है जो टॉप दलित फेस है, इसको लेकर राजनीति ने जन्म ले लिया है जो आने वाले समय में कम होती नज़र बिल्कुल भी नहीं आती है। संजय सिंह के साथ समर श्रीवास्तव, यूपी तक के लिए।